वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल एवरीडे परफ्यूम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये वो है आपका एंगेज का परफ्यूम। ये परफ्यूम मैंने आपको किसी ना किसी रैंडम अमेज़न हॉल वाले वीडियो में दिखाया था, एंड उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बहुत जल्दी इसका एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं करने वाली हूँ इसका रिव्यू, एंड ये है आपका एंगेज परफ्यूम स्प्रे W1। एंड यू वोंट बिलीव गाइस, इतनी बड़ी बॉटल, ये 100 ml की भी नहीं है, ये 120 ml की बॉटल है। एंड मैंने इसका कुछ 150 या 160 रुपीज पे किया, एंड दैट्स इट। एंड वन मोर थिंग गाइस, जैसा मैंने बोला, मैंने पहले भी बहुत सारे परफ्यूम वीडियो शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, तो मैं हमेशा परफ्यूम वीडियोस में ऐसे बात करती हूँ कि इस परफ्यूम की वाइब वैसी है, वैसे है, मोस्टली पार्टी परफ्यूम्स रहते हैं। इसके साथ में मैं वैसे रिव्यू नहीं करने वाली हूँ। इसका रिव्यू बहुत स्वीट, शॉर्ट एंड सिंपल सा होने वाला है, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्टी परफ्यूम, काफी एवरीडे बेसिक सा परफ्यूम है। ये मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर दूँ, बिकॉज जब मैं वैसे रिव्यू करती हूँ लोगों को बहुत पसंद आता है, इसकी वाइब वैसी है, ये वो, थोड़ा डिटेल में जब जाते हैं तो बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है मेरा वो एक्सप्लेनेशन। बट इसमें मैं उतना कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, बिकॉज इट्स वेरी बेसिक एवरीडे काइंड ऑफ परफ्यूम। एंड इसका एटमाइजर भी अच्छा है। सी, अब डायरेक्ट हम इसके नोट्स पे आ जाते हैं, मैं फ्रेग्रेंस पे डायरेक्ट आ जाती हूँ। एंड इन माय ओपिनियन दिस इज द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फ्लोरल, फ्रूटी एंड मस्की। यस, दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ फ्लोरल, फ्रूटी एंड मस्की। एक चीज जो मुझे इस परफ्यूम में थोड़ी सी अनॉइंग लगी, जो काफी सारे अफोर्डेबल परफ्यूम्स में रहती है, वो इसमें भी है। तो जैसे आप इसको स्प्रे करते हो ना, तो आई विल सजेस्ट स्प्रे करते ही इसमें ना नोज मत लगाना, उसको स्निफ मत करना, बिकॉज स्प्रे करते ही एकदम से थोड़ा सा इसमें अल्कोहल वाली फील आती है, थोड़ा अल्कोहल वाली फ्रेग्रेंस आती है। जस्ट गिव इट 5 सेकेंड, वो अल्कोहल वाली जो फ्रेग्रेंस है वो एकदम से इवेपोरेट हो जाती है, 5 to 10 seconds मैक्स। बहुत सारे अफोर्डेबल परफ्यूम में ये रहता है, उनमें अल्कोहल परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो जैसे आप स्प्रे करते हो ना, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, जब आप उसको पास जाके स्निफ करोगे तो पता चलता है, और वो अजीब सा हिट करता है। इसलिए मैं आपको पहले वार्न कर दे रही हूँ, अगर आप ये लेते हो तो स्प्रे करते ही उसको एकदम से स्निफ मत करना। ओके, ओपनिंग में इसमें ऑरेंज एंड पीच के नोट है। ओपनिंग में ये थोड़ा फ्रूटी है, बट वो टिपिकल चीपो वाला फ्रूटी नहीं है, ब्यूटीफुल फ्रूटी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इट्स अ सिंपल येट ब्यूटीफुल परफ्यूम। तो ओपनिंग में इसमें ऑरेंज एंड पीच की फ्रेग्रेंस है, जो बहुत ब्यूटीफुल लगती है मिक्स होके, एंड दोनों ही मिक्स होके एक साथ आती है। ऐसा नहीं है कि पहले ऑरेंज के नोट्स आते हैं फिर धीरे धीरे पीचेस के नोट्स आते हैं, बहुत सारे परफ्यूम में ऐसा होता है कि एक एक करके नोट्स आते हैं, खिलते हैं, बट इसमें ऐसा है कि ऑरेंज एंड पीच दोनों के नोट एक साथ मिक्स होके आते हैं, और बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, एक एक करके नहीं आते हैं। ऑरेंज कैसा होता है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, एंड पीचेस कैसे होते हैं, थोड़ा जूसी। ओपनिंग में थोड़ा खट्टा है, थोड़ा मीठा है, थोड़ा जूसी है, एंड ये फ्रेग्रेंस काफ़ी देर तक रहती है। टॉप नोट्स जो है ये बहुत देर तक रहते हैं, फिर इसमें मिडिल नोट आता है, एंड टॉप नोट बस यही है। मेरी नोज को तो एटलीस्ट ऑरेंज एंड पीचेस ही पिक हो रहे हैं, और कुछ पिक नहीं हो रहा है। फिर इसमें मिडिल नोट ऐड हो जाता है, एंड मिडिल नोट में इसमें लिली के नोट्स आ जाते हैं, यही मेरी नोज को पिक हो रहा है, एंड दैट्स इट। मिडिल नोट में लिली के अलावा मेरी नोज को और कुछ भी पिक नहीं हो रहा है। टॉप में फ्रूटी है, फिर थोड़ी देर बाद इसमें फ्लोरल नोट्स ऐड हो जाते हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल व्हाइट लिलीज के नोट्स है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फ्रूटी, फ्लोरल एंड मस्क। एंड ऑल्सो ये टॉप नोट एंड हार्ट नोट जो है, ये मिक्स होने के बाद बहुत देर तक ये परफ्यूम ऐसा ही स्मेल करते रहता है, एंड धीरे धीरे करके ना ये परफ्यूम आपको ऐसा बहुत ब्यूटीफुल लाइट एंड एरी जैसा फील होने लगता है। जैसे आप मूव करोगे, आप चलोगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये हवा में ऐसी खुशबू उड़ रही है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके चारों तरफ ये ब्यूटीफुल सी एक फ्रेग्रेंस आ रही है। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि जो ये टॉप नोट है एंड हार्ट नोट है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और ये बहुत देर तक रहते हैं, एंड थोड़ी देर के बाद ऑरेंज पीचेस एंड मिक्स होके एक परफ्यूम बन जाते हैं, एंड बहुत ब्यूटीफुल लाइट एरी परफ्यूम बन जाता है। और एकदम से जैसे आप चलोगे, उठोगे, बैठोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके चारों तरफ बहुत ब्यूटीफुल फ्लोरल एंड फ्रूटी लाइट सी खुशबू घूम रही है। एंड बहुत देर के बाद इसमें बेस नोट आता है, बेस नोट काफ़ी लेट आता है इसमें। आजकल मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स हैं जिसमें बेस नोट काफ़ी लेट आता है, तो इसमें बेस नोट जो है वो काफ़ी लेट आता है, बट टॉप नोट एंड हार्ट नोट जो है वो तभी भी रहता है। एंड बेस नोट में इसमें एम्बर एंड मस्क ऐड हो जाता है, यही मेरी नोज को पिक हो रहा है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एम्बर एंड मस्क, जिसकी वजह से ये थोड़ा मस्की हो जाता है बेस नोट में, एंड मस्की के साथ साथ ये थोड़ा सा मच्योर भी हो जाता है बेस नोट आने के बाद। टॉप नोट एंड हार्ट नोट में ये उतना मच्योर नहीं लगता है, ये काफ़ी लाइट एरी ब्यूटीफुल सा परफ्यूम लगता है, परफेक्ट फॉर कॉलेज गोइंग पीपल,
टीनेजर्स, ये काफी ब्यूटीफुल लगता है, अगर आप मच्योर हो तो भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नोज को जो दो नोट पिक हो रहे हैं बेस नोट में, वो है आपका एम्बर एंड मस्क एंड दैट्स इट। यस, यही नोट्स मेरी नोज को पिक हो रहे थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। नाउ क्विकली लेट्स टॉक अबाउट लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन। तो मैं अगर इसकी लॉन्जेविटी की बात करूँ गाइस, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। 120 ml 150 या 160 रुपीज में आ जाता है, 150-160 रुपीज में इतनी बड़ी बॉटल। एंड ये लिटरली 5 hours to 6 hours मेरे कपड़ों के ऊपर लास्ट करता है, मतलब 4 hours तक तो काफी अच्छे से प्रोजेक्ट भी कर रहा होता है। मैं कम से कम भी बात करूं तो 3.5 hours ये काफी प्रोजेक्ट करता है, 3-3.5 hours। अगर आपने इसका 4-5 स्प्रे लगाया है तो 3-3.5 hours ये काफी अच्छे से प्रोजेक्ट कर रहा होता है। अगर आप कॉलेज जाते हो ना तो आप बस लगा के चले जाओगे, आपको कॉलेज से रिटर्न आने के तक इसको बार बार टचअप नहीं करना पड़ेगा कि आपको वापस से लगाना है। या इफ यू आर समवन जो बहुत बड़ा बैग कैरी नहीं करते, तो आप लोग यार इतना बड़ा परफ्यूम कौन कैरी करेगा, कौन खरीदेगा, आप इसको खरीद सकते हो। बस आप लगा के चले जाओ, आने तक आपके ऊपर से इसकी खुशबू नहीं जाएगी। कपड़ों पे लगाओगे तो इजिली 3.5 to 4 hours ये प्रोजेक्ट कर रहा होता है। अगर आप ये परफ्यूम लोगे तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। एंड आई होप ये परफ्यूम आपको पसंद आएगा अगर आप खरीदोगे। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगता है ये परफ्यूम। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है कि मैं किसी दूसरे परफ्यूम का रिव्यू शेयर करूँ एंगेज के या किसी भी ब्रांड के, तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो को पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहो। अगर वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।